हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि सभी नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट इनटू। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया? ए है 1870 में, बी है 1974, सी पॉइंट है 1976 एंड डी पॉइंट है 1985। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1974 में फ्रेंड ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ये कुछ पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1974 में WHO ने प्रथम बार एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को लॉन्च किया था। इसका शॉर्ट में फ्रेंड EPI इसका है। एंड सेकंड पॉइंट है कि 1985 में यूनिसेफ द्वारा ही EPI को यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नाम दिया गया। एंड सेकंड है इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब इंक्लूड इसमें कौन सा है? ए है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड बी पॉइंट है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एंड सी पॉइंट है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन एंड डी पॉइंट है ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन। एंड थर्ड पॉइंट है हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। दोस्तों इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 6। एंड फोर्थ पॉइंट है एक बच्चा जो स्प्लेनेक्टोमी से गुजर चुका है उसे देना चाहिए क्या? ए है हेपेटाइटिस वैक्सीन, बी है निमोनोकोकल वैक्सीन एंड सी पॉइंट है BCG वैक्सीन एंड डी है येलो फीवर वैक्सीन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है निमोनोकोकल वैक्सीन। एंड फिफ्थ पॉइंट है ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन को कहाँ पे स्टोर करते हैं फ्रेंड? ए है आइस लिंक्ड रिफ्रिजरेटर एंड डी पॉइंट है डीप फ्रीजर एंड सी है वॉल्क इन कोल्ड रूम एंड डी पॉइंट है कोल्ड बॉक्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एंड सिक्स पॉइंट है द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड। दोस्तों इसे पढ़ें और इसका आंसर बताइए। वैक्सीन को फर्स्ट बार किसने परफॉर्म किया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर ने फ्रेंड वैक्सीन का फर्स्ट बार परफॉर्म किया था। एंड सेवेंथ पॉइंट है पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि हु वेयर अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट्थ पॉइंट है पोलियोवेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। ए पॉइंट है मोर स्ट्रेंथ ऑफ द सेम स्पेसीज एंड बी पॉइंट है अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड सी है मोर स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एंड डी है अ सिंगल स्पेसीज।
दोस्तों इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ए पॉइंट है, मोर इंस्टेंस ऑफ द सेम स्पेसीज। एंड नाइन्थ पॉइंट है, इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम कब लॉन्च किया गया था? ए है 1978 में, बी है 1985 में, एंड सी पॉइंट है 1992 में, एंड डी है 1997 में। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन के किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? ए है आईएम से यानी कि इंट्रामस्कुलर, बी है सबक्यूटेनियस, सी है इंटरडर्मल एंड डी पॉइंट है ओरल। रोटा वायरस वैक्सीन फ्रेंड ओरल रूट से दिया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओरल। एंड इलेवेंथ पॉइंट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1985 वॉज फोकस्ड ऑन हाउ मेनी डिजीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिक्स। एंड ट्वेल्थ पॉइंट है, ईपीआई इंक्लूड्स ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। ए है डीपीटी वैक्सीन, बी है एमएमआर वैक्सीन, सी है पोलियो वैक्सीन एंड डी पॉइंट है बीसीजी। ईपीआई इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एमएमआर वैक्सीन। एंड 13 पॉइंट में दिया है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन है जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का हिस्सा नहीं है? मीजल्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन या ओपीवी वैक्सीन। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, एमएमआर वैक्सीन। एंड 14 पॉइंट है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स। दोस्तों इसे पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंड 15 पॉइंट है, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का इन द वर्ल्ड में कब मिला था? 1977 में, 1978 में, सी है 1979 में, डी है 1982 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1977 में। एंड 16 पॉइंट है, WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। ए है 26 अक्टूबर 1977, बी है 17 मई 1975, सी है 5 जुलाई 1975 एंड डी है 8 मई 1980। WHO declared global eradication of smallpox on। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड, 8 मई 1980। एंड 17 पॉइंट है, कॉम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ए है चिकन पॉक्स, बी है रूबेला, सी है स्मॉल पॉक्स एंड डी पॉइंट है रेबीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, स्मॉल पॉक्स। एंड 18 पॉइंट है, इनमें से कौन सी वैक्सीन है फ्रेंड जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार बर्थ पर रिकमेंडेड की जाती है? बीसीजी, हेपेटाइटिस एंड ओपीवी वैक्सीन। बी पॉइंट है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड डीपीटी वैक्सीन। एंड सी पॉइंट है बीसीजी या डीपीटी ओपीवी। एंड डी है डीपीटी ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ए है,
BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV। एंड 19 पॉइंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टॉक्साइड इज द, फ्रेंड्स कौन सा एग्जाम्पल है टॉक्साइड का? ए है रेबीज वैक्सीन, बी है डिप्थीरिया वैक्सीन, सी है पर्टुसिस वैक्सीन एंड डी पॉइंट है मीजल्स वैक्सीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, डिप्थीरिया वैक्सीन। एंड 20 पॉइंट है, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड? ए है OPV, बी है डिप्थीरिया, सॉरी बी पॉइंट है DPT, सी पॉइंट है हेपेटाइटिस बी एंड डी पॉइंट है MMR। दोस्तों इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसने दिया कि विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, OPV वैक्सीन। दोस्तों ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो सभी नर्सिंग एग्जाम में सर फ्रेंड पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू।